भैया से भी मैं यही कहूंगा कि भैया आप अपने साथ रहने वाले लोगों को थोड़ा सा समझाइए ना, तो हम खुला अब तो खुल जाइए, हम तो तार लोग सब जने को पता कि कौन लकीर खींचेला के का कहले बा, हम का बतिए अभी। जो लोग ये बोलते हैं कि भोजपुरी के सलमान खान, पवन सिंह या खेसारी लाल यादव है, तो वो लोग पूरी तरीके से गलत बोलते हैं। मैं बोलता हूं कि ये जितने भी पवन सिंह हो चाहे खेसारी लाल यादव है, ये दोनों भोजपुरी के राखी सावंत हैं। एकदम से सही सुन रहे हैं आप लोग कि ये दोनों भोजपुरी के राखी सावंत हैं। और अगर आप लोगों को यकीन नहीं होता है तो इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को यकीन में बदल देंगे कि बिल्कुल से ये दोनों भोजपुरी के राखी सावंत हैं। राखी सावंत का बैकग्राउंड आप लोगों को पता ही होगा कि वो लाइमलाइट में रहने के लिए या फिर मीडिया में चर्चित हस्ती बनने के लिए वो अनाप शनाप स्टेटमेंट देती है और न जाने किस तरीके का हरकत करती है कि तमाम मीडिया वाले उनको कवर करते हैं। राखी सावंत के साथ साथ मीडिया वाले लोगों का भी रोजी रोटी चलता है। उसी तरीके से भोजपुरी इंडस्ट्री में दो महान हस्ती हैं, पवन सिंह और खेसारी लाल यादव। ये दोनों लाइमलाइट में रहने के लिए अलग तरीके का उल्टा सीधा बातें करते हैं और भोजपुरी में विवाद क्रिएट करते हैं। और बिहार के तमाम गोदी मीडिया, माफ करिएगा गोदी मीडिया नहीं बोलूंगा, चमन चूतिया टाइप के रिपोर्टर्स, यूट्यूबर्स, वो तमाम लोग इस पे न जाने कितने एपिसोड बना देते हैं और उनका भी रोजी रोटी चलना स्टार्ट हो जाता है। पूरे इंडस्ट्री में अभी फिलहाल एक विवाद चल रहा है पवन सिंह और खेसारी लाल यादव के बारे में। पवन सिंह गाना गाते हैं बॉलीवुड में और गाना होता है एक नंबर पे ट्रेंड, और उसी चीजों का खुन्नस उतारने के लिए खेसारी लाल यादव लाइव आते हैं और लाइव में दो चार बातें ऐसा बोलते हैं कि मानो कि भोजपुरी इंडस्ट्री में भूचंग आ जाता है। और क्या था, तमाम मीडिया वाले भोजपुरी के जितने भी यूट्यूबर्स, वो खेसारी लाल यादव का जो लाइव होता है उस फुटेज को कट करके वीडियोस पे वीडियोस बनाना स्टार्ट करते हैं और विवाद को इस तरीके से तुल देते हैं कि मानो कि भोजपुरी में सबसे बड़ा विवाद यही है। जितने भी यूट्यूबर्स या मीडिया वाले लोग हैं ऐसा ही खाली बैठे हैं, उनके पास कोई किसी भी तरीके का कोई कंटेंट थी नहीं, उसी वजह से खेसारी लाल आते हैं और लाइव में आकर के कुछ बातें बोलते हैं और उसी का फुटेज उठा करके वीडियोज बनाना स्टार्ट करते हैं और व्यूज पे व्यूज और पैसा कमाना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन सच्चाई क्या है आप लोगों को मालूम है, भोजपुरी इंडस्ट्री में खेसारी लाल हो चाहे पवन सिंह हो या फिर और भी बहुत सारे बड़े बड़े कलाकार हैं, वो तमाम लोग आज के डेट में सारे लोगों की पहचान धीरे धीरे धूमिल होती जा रही है, यही सोच करके खेसारी लाल यादव या फिर पवन सिंह इस तरीके का विवाद क्रिएट करते हैं और लाइमलाइट में पहचान बनाने के लिए, अपनी पहचान बनाने के लिए इस तरीके से विवाद खड़ा करते हैं। विवाद में किसी भी तरीके का कोई दम नहीं है। पवन सिंह और खेसारी लाल यादव जिसे बोलना यही चाहूंगा कि पवन सिंह जी आप बहुत बेहतरीन सिंगर हैं, आप गाना गाते हैं और गाना ट्रेंडिंग सेक्शन में जाता है और उसी गाने से आप इतना पैसा कमाते हैं, उसी तरीके से खेसारी लाल यादव हैं जो कि ट्रेंडिंग स्टार है, वो जैसे ही गाना गाते हैं दो चार गाना हमेशा उनका गाना ट्रेंडिंग सेक्शन में जाता है, इसके बावजूद भी इस तरीके का विवाद करने का क्या मतलब बनता है? क्या आपकी पहचान की कमी है? क्या आपको लगता है आपके गाने पे व्यूज कम आता है? क्या लगता है आपके गाने ट्रेंडिंग सेक्शन में नहीं जाते हैं? ये सारी चीजें आपका हमेशा ऊपर रहता है, हाई लेवल पे रहता है, व्यूज हाई लेवल, पैसा कमाने का हाई लेवल, ट्रेंडिंग सेक्शन में भी हाई लेवल, ये सब कुछ होने के बावजूद भी अगर आप लाइव में उल्टा सीधा बात करते हैं तो ये गलत है।